हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का पतला साग और मल्टीग्रेन रोटी, जो वेट लूज करने के लिए सबसे अहम रोल अदा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पालक को अच्छे से काट के धो लेती हूँ। मूंग दाल छिलके वाली को भी अच्छे से धो लेती हूँ। उसके बाद मैं बेसन, देखिए आप देख रहे हैं, बेसन आलन लगाने के लिए ले लेती हूँ 3 टेबल स्पून, और लाल चटनी जैसे लहसुन, ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और नमक की चटनी। बहुत ही आसान रेसिपी है। हम पालक को धो के कुकर में डाल देते हैं, मूंग दाल डाल देते हैं। 1 गिलास, 1 किलो पालक है तो आप 1 गिलास पानी लें, और आधा किलो है तो 1/2 गिलास पानी लें, और 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं और इसे उबालने रख देते हैं। देखिए उबल चुका है, इसको अच्छे से घोट लेते हैं, और ये चटनी जो मैंने बनाई हुई थी लाल मिर्ची की, वो डाल के और अच्छे से घोटते हैं। आप जितना इसे अच्छे से घोटेंगे उतना ही जायका देगा, क्योंकि पत्ता एकदम घिस जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद में बेसन को तवे पे अच्छे से भून लेते हैं, जिसमें इसकी महक ख़त्म हो जाए। भूनने के बाद थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद में इस पेस्ट को जो साग या कुकर में उसमें डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम पे गैस को 10 से 15 मिनट तक चलने देंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे साग के लिए। दूसरी तरफ पेन हो या तवा, उसमें तेल गरम कर लेंगे, उसमें लहसुन ज़ीरा डालकर बघार तैयार कर लेंगे। बघार तैयार हो चुका है, इसे हम साग में डाल देंगे। तो दोस्तों ये साग तैयार हो चुका है। दूसरी साइड मैंने मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लिया है गूंद कर, इसकी रोटी बनाते हैं। आप देख रहे हैं इसकी रोटी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीच बीच में फट जाएगी, क्योंकि आटा ऐसा होता है। ये जो रेसिपी है ये वेट लूज़ करने के लिए सबसे अहम रोल अदा करेगी। साग में अगर आप चाहें बघार ना डालें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए डालती हूँ। अगर इसमें मक्खन या बटर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वेट लूज़ नहीं होगा। बगैर बघार के अगर आप साग और इस रोटी का यूज़ करेंगे तो जल्द से जल्द आपकी बॉडी का वेट कम होता चला जाएगा। मल्टीग्रेन आटा बनाने में मैंने जो आटे लिए हैं उसमें है जौ, ज्वार, बाजरा, चोकर, चना और राई। रोटी तैयार है, हमारी रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।